नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें जिस नंबर पर आपको कॉल करना है, 02-23001634, 02-23001635। और आज सबसे पहले बात करेंगे क्रूड की। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट बढ़ गई है। ब्रेंट क्रूड का भाव $62 प्रति बैरल के नीचे इस वक्त ट्रेड कर रहा है और एमसीएक्स पर भाव ₹38 तक नीचे है, 4063 का स्तर है। हमारे साथ आज बातचीत के लिए अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के MD, और साथ ही बीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। अजय जी, मेरा पहला सवाल आपसे ही होगा, क्या किया जाए? क्रूड की जो आज की कमजोरी है ये और बढ़ने वाली है, शॉर्ट करें? गुड इवनिंग। डेफिनेटली मुझे लगता है क्रूड में जो दायरा बना हुआ था, अगर WTI की बात करें तो $56 से लेकर हमने 57.5 का एक ब्रॉडर रेंज देखा, जबकि ब्रेंट में भी हमने देखा कि प्राइजेस 61 के नीचे जा नहीं पा रहा था। ओवरऑल डिमांड कंसर्न है, कंटिन्यू बनी रहेगी। इससे पहले हमने देखा जैसे आरएमको का IPO की बात आने चालू हुई, तब से हमने क्रूड को एक सपोर्ट लेते हुए देखा। बट इन ऑल मुझे लगता है जो फंडामेंटल है वो काफ़ी नेगेटिव है। इनफैक्ट इस बार हमने इन्वेंट्री भी जो EIM में बढ़ती हुई देखी, वो कहीं ना कहीं क्रूड को दबाव में रखेगा। डोमेस्टिक मार्केट में पिछले 2-3 दिनों में हमने जो रुपए में गिरावट आती हुई देखी, जो हमने 72.20 तक फ्यूचर पे आते हुए देखा, इमीडिएट टारगेट 4020 का है, और ये अगर लेवल तोड़ देता है तो आई थिंक 3850-3900 तक का भी लेवल दिखा सकता है, जो डॉलर टर्म्स में करीबन $53 से $53.50 तक का लेवल हो जाएगा। ठीक है, तो ये राय आपकी है क्रूड के ऊपर। 4063 का स्तर इस वक्त MCX पर कच्चे तेल में दिख रहा है। ओके, नेचुरल गैस में भी बड़ी हलचल हमने देखी है। वीरेन जी, क्या कुछ कमेंट करना चाहेंगे आप नेचुरल गैस के ऊपर? काफ़ी वोलेटाइल काउंटर है, अब 190 के आसपास ट्रेड हो रहा है, क्या किया जाए? अगर ट्रेड करना हो इस लेवल पे तो क्या करना चाहिए? शॉर्ट करना चाहिए। जो आर्कटिक ब्लास्ट यानी जो एकदम कोल्ड वेव जो आया था, अब ये अगले 10-12 दिन के बाद वेदर थोड़ा वहाँ थोड़ा वार्म हो जाएगा, तो मुझे शॉर्ट साइड में दिलचस्पी है। करंट लेवल से 190-195 का स्टॉप लॉस रहेगा और नियर टर्म टारगेट 182 रहेगा। दूर तक शायद अगर वेदर का सपोर्ट मिले तो 178 तक आ सकता है। ठीक है, 178 तक आप कह रहे हैं कि नेचुरल गैस का भाव आ सकता है, तो क्या अभी 190 पे बेचा जाए? बीरेन जी, क्या किया जाए? जी बिल्कुल करंट लेवल पे शॉर्ट किया जाए। अच्छा, आप कह रहे हैं करंट लेवल पे नेचुरल गैस शॉर्ट किया जाए, और तेज़ गिरावट यहाँ से आप नेचुरल गैस की कीमतों में देख रहे हैं, और ये आपके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड का मार्केट अजय केडिया जी अभी आपको कैसा लग रहा है? 236 रुपये नीचे है, 38,000 के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा है, और दिक्कत अभी ये हो रही है, दिक्कत या यूँ कहें कि जो बदलाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है खबरों को लेकर, उसका हम रोज़ इम्पैक्ट बुलियन मार्केट के ऊपर देख पा रहे हैं। ट्रेड डील की खबरें अब इंट्राडे की खबरें हो गई हैं, मतलब ट्रेड डील पर एक दिन कुछ बात होती है और दूसरे दिन वही बात पलट जाती है। कल तक मामला ये था कि अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है ट्रेड डील को लेकर, और अब खबर आई है कि एक बार फिर से पॉजिटिव बातचीत के संकेत मिले हैं और उसका इम्पैक्ट हम मार्केट पर देख रहे हैं, 240 रुपये नीचे है। तो क्या ये इम्पैक्ट अभी और दिखेगा, और अभी बेचकर चलना ठीक रहेगा, क्या करना चाहिए? मतलब मुझे लगता है कि जो ट्रेड डील हमने ऑलरेडी पिछले 6-8 महीने से या पिछले 1 साल से काफ़ी गहमागहमी देखा है, तो मुझे लगता है जब तक ये पूरा कंफर्म ऑन पेपर नहीं आता है तब तक अनसर्टेनिटी बनी हुई रहेगी। इससे पहले भी हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच में क्लियरिटी नहीं दी गई, तो जब तक मुझे लगता है कि प्रॉपरली क्लोज नहीं होता है अनसर्टेनिटी बनी। आज की जो गिरावट है हमें लगता है इन लाइन है, क्योंकि फ्राइडे हम लोग जनरली देखते हैं एक प्रॉफिट बुकिंग भी रहता है। डॉलर टर्म में भी $1470 का लेवल तोड़ नहीं पा रहा था, और साथ में आज रुपए में जो मजबूती आई उसकी वजह से गिरावट है। हो सकता है थोड़ा और गिरावट बढ़ सकती है, जो 37920 तक का लेवल लग रहा है। आई थिंक ये ड्रॉप पे लेके चलना चाहिए जब तक अनसर्टेनिटी बनी हुई है, और साथ में डॉलर इंडेक्स भी हमने देखा 98 के करीब ही है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के स्पीच में एक ये भी पॉइंट था कि फेड के ऊपर इन्होंने प्रेशर बनाने की कोशिश की है कि रेट कट और किया जाए ताकि इकोनॉमी में एक सपोर्ट मिलता रहे। तो आई थिंक ये जो गिरावट एक करेक्शन है जो नीचे में हो सकता है 37920 तक आए, वहाँ पे लेके चलिए। मुझे लगता है प्राइसेस में फिर से बाउंस आएगी, बड़ा शॉट अभी लेना नहीं चाहिए। ओके, आप कह रहे हैं बड़ा शॉट अभी गोल्ड में नहीं करना चाहिए। ये तो बात हो गई ट्रेडिंग की,
ये जो अभी आपने बताया कि गोल्ड में अभी करना क्या है, और आपके मुताबिक अभी बहुत बड़ी पोजीशन, या आपने कहा कि बड़ा शॉर्ट पोजीशन अभी नहीं क्रिएट करना चाहिए, ठीक है। लेकिन वीरेन जी, आप एक चीज़ बताएं कि जो लोग अभी इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं गोल्ड में, जिनको अभी गोल्ड में निवेश करना है, उनके लिए क्या सुझाव है? क्या उनके लिए भी गोल्ड में बाइंग का मौका है, इन्वेस्टमेंट का मौका है, या आपको लगता है कि मार्केट एक बार जब करेक्ट हो जाए, 37,500 के आसपास आ जाए, तब निवेश की प्लानिंग करनी चाहिए, क्या करें? जिन लोगों का 3 से 6 महीने का नज़रिया है इन्वेस्टमेंट का, तो उनको फैब कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहिए, जो अभी दिसंबर के भाव भाव ही मिल रहा है, यानी बिना ब्याज मिल रहा है आपको, तो ब्याज में काफ़ी फ़ायदा रहेगा इसमें। इवेंचुअली मेरा टारगेट गोल्ड में करीबन 39,500 से 40,000 का है, 2 से 3 महीने की टाइम फ्रेम में है। तो करंट रेट से धीरे धीरे करके मिनी गोल्ड एक्यूमुलेट किए जा सकते हैं, अपनी अपनी रिस्क प्रोफाइल को देखते हुए। समझो ऑन एंड एवरेज 37,500 का अगर बाइंग प्राइस है, तो स्टॉप लॉस 36,500 1,000 का होना चाहिए, अपसाइड 39,000-39,500 के बीच की होनी चाहिए। ठीक है, हमारे साथ कमल जुड़ रहे हैं हनुमानगढ़ से, पूछिए कमल। मुझे मेरा सवाल बीजेन जी से है, हाँ। कॉटन सीड ऑयल का बॉटम क्या लग रहा है और लॉन्ग टर्म आउटलुक क्या है? कॉटन सीड ऑयल केक का बॉटम आपको क्या लग रहा है बीरेन जी? और अगर बॉटम जो भी आपको लग रहा है, तो क्या बॉटम पर एक बड़ी प्लानिंग बाइंग की करनी चाहिए? लॉन्ग टर्म टारगेट आपका क्या होगा? ये साल इसके प्राइस काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं, क्योंकि लास्ट ईयर 3,500 के सामने अभी ये 2100 में काफ़ी सस्ता लगता है। बट सस्ता होने के कारण, एक तो मुझे इसमें पर्सनली बाई साइड में दिलचस्पी नहीं है, बट मैं ऐसा मान रहा हूँ कि इसका लॉन्ग टर्म नज़रिया अगर देखे, तो 1,850 कहीं बॉटम होना चाहिए, अपसाइड में 2400-2600 के बीच उसका टॉप दिख रहा है। ये 3 से 4 महीने का व्यू है मेरा। ठीक है, कैलाश हैं हमारे साथ सूरतगढ़ से, पूछिए कैलाश। हाँ सर, मेरा सवाल अजय सर से है कि नेचुरल गैस में क्या करना चाहिए और क्रूड ऑयल में करंट भाव पे क्या करें? बिल्कुल करंट रेट पर अजय जी, वेट नहीं करना है, आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, ऐसा ट्रेड बताइए कि आज प्रॉफिट बुक करके कल कहीं घूमने फिरने जाया जाए। बिल्कुल, तो बिल्कुल करंट रेट पर क्रूड में और नेचुरल गैस में क्या किया जाए? देखिए, सबसे पहले अगर क्रूड की बात करें, तो करंट रेट से बेच सकते हैं। मुझे लगता है कि प्राइजेस में एक भारी गिरावट देखने मिल जाएगी इवनिंग सेशन में, जो 4,020-30 तक का लेवल मिल जाएगा। वहीं नेचुरल गैस में थोड़ा सा वेट कीजिए। आई थिंक इससे पहले हफ्ते में भी मैंने कहा था कि 200-202 का लेवल अच्छा है, बेच के चलिए। हम लोग टारगेट 188-190 रख रहे थे, जो इस वक्त सामने है। मुझे लगता है 186 के ड्रॉप पे हमें बाइंग करके चलना चाहिए, मार्केट में ज़्यादा वीकनेस नहीं रहेगी, ये जस्ट एक रिट्रेसमेंट है। जिस ढंग से हमने 206 का लेवल तोड़ते हुए नहीं देखा, तो एक मार्केट को रिट्रेस करना था, वो हो चुका है। नेक्स्ट वीक में हम समझते हैं कि वापस टेम्परेचर में ड्रॉप रहेगा, जो डिमांड को आकर्षित करेगा, और साथ में इन्वेंट्री पर ध्यान रखिए। इस बार की जो इन्वेंट्री आई है, उसमें काफ़ी हम लोग एक बॉटम लेवल पर पहुंच चुके हैं, अब इन्वेंट्री नेगेटिव जाने में तैयारी में है, जो कहीं ना कहीं प्राइजेस को सपोर्ट करेगा। तो आई थिंक नेचुरल गैस में थोड़ा वेट कीजिए, 186 के ड्रॉप पर ही लेके चलिए। जो इस बार की रैली रहेगी, वो हमें लगता है 220 का भी लेवल तोड़ पाएगी, बट उसको 15-20 दिन लगेगा। एज ऑफ नाउ क्रूड सबसे अच्छा बेट रहेगा, क्रूड में बेच के चलिए। ठीक है, प्रवीण है हमारे साथ, पूछिए प्रवीण। हेलो जी, पूछें सर। मेरा सवाल चने पे, रसब चने में एक दो हफ्ते में क्या लेवल दिखाएगा या केडिया, ये सवाल है मेरा। एक दो हफ्ते में, एक दो नवंबर हाँ। नवंबर का चना कुछ प्लस है और दिसंबर का माइनस, सर ये क्या है बताइए अजय जी। देखिए, नवंबर डिलीवरी पीरियड में लग चुका है, जिसकी वजह से हमें वहाँ पे ओआईबी कम है और थोड़ा सा बाउंस इसलिए दिखा रहा है, जबकि दिसंबर में हमें एज ऑफ नाउ प्रेशर दिखाई दे रहा है, जिस ढंग से सोइंग एरिया राजस्थान एरिया में काफ़ी बढ़ा है, बट अभी भी थोड़ा सा कंसर्न बना हुआ है, जिस ढंग से हमने बौछारे जो राजस्थान में बदते हुए देखी है, इसकी वजह से रबी क्रॉप में डिले भी है। करीबन अगर राजस्थान के आंकड़े देखें 14 तारीख तक के, तो वो करीबन 72% की सोइंग हो चुकी है, पिछले साल के मुकाबले सोइंग अच्छी है, बट अभी भी डैमेजेस हो सकते हैं। इसके लिए आज हम मार्केट, मुझे लगता है एक सीमित दायरे में है। अगर हम ओवरऑल 1.5-2 महीने की बात करें और क्रॉप साइज के हिसाब से देखें, तो मुझे लगता है प्राइजेस फिर से 4200 से 4250 का एक शॉर्ट टर्म ड्रॉप मिलेगा, क्योंकि नेफेड के पास भी माल काफ़ी है और ऑलरेडी टेंडर्स कुछ मार्केट में जारी हुए हैं। तो एज ऑफ नाउ ऊपर में 4650 के ऊपर जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, 4250 तक का लेवल एक बार आना जरूरी है, उसके बाद फिर तेजी बन सकती है। ठीक है,
तो आप कह रहे हैं कि उसके बाद एक बार फिर से तेजी बन सकती है और अभी यहाँ पर आधे परसेंट की गिरावट के साथ करीब करीब चना का दिसंबर वायदा बंद हुआ है। बीरेन जी, मैं आपसे ग्वार के बारे में जानना चाहता हूँ। ग्वार आपकी फेवरेट कमोडिटी है, क्या लगता है इस कमोडिटी का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं आगे? गवार ने काफ़ी अच्छा रन दिखाया। जो केस्टर डिबेकल हुआ उस समय धनिया गवार दोनों भी उसके साथ गिरे थे, फिर दोनों ही अच्छे बाउंस बैक आया है। ये साल थोड़ी फसल कम लग रही है मुझे, और ये वेदर का डिस्टर्बेंस है उसके हिसाब से भी थोड़ी क्वालिटी की इश्यू है। सेंटिमेंट का काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला है। यहाँ मैं अब रैली को थोड़ा टेपरिंग देख रहा हूँ, तो 4450 पे मैं शॉर्ट प्रीफर करूँगा। दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट 4530 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और डाउनसाइड में 4250, 4300, 4330 तक का ऑब्जेक्टिव है। अच्छा, तो आपको लगता है कि तेज़ी अभी आ गई है और 4450 के आसपास एक बार बिकवाली करनी चाहिए, यानी आप ये कह रहे हैं कि यहाँ से अब आगे मार्केट बहुत ज़्यादा फिलहाल तेज़ नहीं है। वैसे बात ठीक है कि डिमांड भी कम है, एक्सपोर्ट की डिमांड भी कम है, आपने कहा क्वालिटी का भी इशू है, तो 4450 का लेवल दिखे तो आप बेचिए। 4500 तक का लेवल बीरेन जी बता रहे हैं, 4533 के लेवल पे आप स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। अगला सवाल है राजेश का, पूछिए राजेश जी। सर, निकल का क्या करें करंट लेवल में? निकल का करंट लेवल में क्या करना है? 1116.50 रुपए, ये निकल का ताजा भाव है, करीब करीब 5 रुपए की तेजी है, गिरावट है, क्या किया जाए? अजय जी, आज शाम के लिए क्या निकल बेचना ठीक रहेगा? ये जो अभी हम 5 रुपए के आसपास की गिरावट देख रहे हैं, क्या ये गिरावट और बढ़ जाएगी? बिल्कुल, मुझे लगता है कि गिरावट और बढ़ सकती है, 1100 का भी लेवल तोड़ सकता है। अगर ध्यान हो, जिस जंग से हमने देखा था कि इंडोनेशिया के बैन के बाद प्राइजेस में 1300 तक का लेवल चले गया था, वहां पे हमने कहा था कि प्राइजेस में भारी गिरावट देखने मिल सकती है और हमने 1100 का लेवल ऑलमोस्ट छूते हुए देख पा रहे हैं। अभी भी मुझे लगता है फंडामेंटल काफ़ी खराब है, निकल के टेक्निकली ओवरसोल्ड जोन में पहुँच चुका है, क्योंकि हमने ये गिरावट कंटिन्यू पिछले 3.5 महीने में 1300 रुपये से 1120 तक आती हुई देखे, तो हो सकता है 10-15 रुपये का कभी भी जंप आ जाए। बट आई थिंक 1140 का अगर स्टॉप लॉस मेंटेन करके अगर बेचा जाए तो नीचे में 1095 से लेकर 1060 तक के भी लेवल हम ओवरऑल अगले 2-3 सेशन में निकल में देख पाएंगे। ठीक है, तो ये रहा आपकी निकल पे है। 1095 के टारगेट के लिए आप 1120 के भाव पर बिकवाली की राय दे रहे हैं। अगला सवाल है कैलाश का, सदलपुर से हैं हमारे साथ कैलाश, पूछिए कैलाश। सर गुड इवनिंग। सर गुड इवनिंग, पूछिए। सर सिल्वर 51200 क्या पता नहीं आएगी, लेकिन ऊपर में कितनी आ सकती है और नीचे में कितनी जा सकती है बताइए बीरेन जी। चांदी का ऊपर का लेवल अभी आप हाल फिलहाल क्या देख रहे हैं और नीचे का लेवल क्या देख रहे हैं? अभी सीमित दायरे में मार्केट देख रहा हूं। ओवरऑल रेंज अगर 2-3 वीक की नजरिए से देखे तो 42800 और अपसाइड में 45200 काफी रनअप के बाद अब मार्केट कंसोलिडेशन जोन में है, यानी सीमित दायरे में रहेंगे। ओके, ठीक है, तो 560 रुपए की नरमी है MCX पर चांदी में, 44167 का लेवल है। इस बीच प्रवीण हमारे साथ जुड़ रहे हैं हिसार से, पूछिए प्रवीण। नमस्कार मृत्युंजय जी। नमस्कार, पूछिए। सर मैंने 48000 में 6 लॉट सिल्वर के सेल कर रखे हैं। 48000 में आपने 6 लॉट सिल्वर बेचे हैं, ठीक है जी। अभी तो मैं बना रहा हूँ या निकल जाऊँ सर? अच्छे, मुझे लगता है बहुत अच्छे लेवल पे आपने बेचा है, 44200 के नीचे आ गया है, प्रॉफिट बुक कर लिया जाए या कुछ और मुनाफे की उम्मीद में अभी रुका जाए? अजय जी बताइए। मुझे लगता है कि एज कम्पेयर टू सोना चांदी काफ़ी ज़्यादा अंडरटोन रही है, तो कभी भी एक भारी तेजी वापस देखने मिल सकती है, तो बेटर है 44100 है, एटलीस्ट 50% तो प्रॉफिट बुक कीजिए और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 45200 का रखिए, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा मार्केट 44845 के करीब जा रही बट वो लेवल तोड़ नहीं पा रहा है। बट ओवरऑल मैं लॉन्ग टर्म समझता हूँ चांदी में अच्छी तेजी रहेगी, जो 55000 तक का भी लेवल अगले एक साल में दिखा देगी। 43500 अच्छा बेस है, तो बेटर है कि नीचे 1000 रुपये की मैक्सिमम अगर कोई न्यूज़ आ जाए तो बात अलग है, तो बेटर है कि आप ऑफलोड कर लीजिए, जो शॉर्ट पोजीशंस है उसमें कम करना चाहिए। और ओवरऑल मुझे लगता है 43000-44000 अच्छा लेवल है, यहाँ पे आप कंसोलिडेशन रेंज में है मार्केट, तो लेके चलिए, तेजी ज़्यादा आएगी। ठीक है, अगला सवाल है पवन का चंदौसी से, पूछिए पवन। नवंबर में था, जो अब 1305 रुपए की सेल पड़ी है, मैं नीचे में कहाँ तक देखूँ और ऊपर का क्या एसएल लगाऊँ? जो है 2-4 दिन का क्या लगाऊँ ऊपर का एसएल और नीचे में मुझे क्या मिलेगा, और नीचे में मैं बेस्ट बाई लेके कहाँ तक चल सकता हूँ, ये आइडिया मुझे चाहिए आपसे। ठीक है,
1305 के भाव पर आपने मेंथा में बिकवाली की है, आप जानना चाहते हैं कि नीचे में कहां तक का लेवल मिलेगा। बीरेन जी, क्या कुछ आउटलुक है आपका मेंथा के ऊपर? फिलहाल मैंने मेंथा ट्रैक करना छोड़ दिया है। ऐसा क्यों किया आपने? मैं इसमें नहीं काम ऐसा क्यों किया बीरेन जी, आपने मेंथा को ट्रैक करना छोड़ दिया, बताइए। डल मार्केट है ये, तो आप डल मार्केट को ट्रैक नहीं करते? टेम्पररी मेरा फोकस क्रूड पे डल नहीं, जहाँ पानी होता है ना वहाँ होता हूँ मैं। जहाँ पानी, कहाँ पानी है अभी? आपकी कौन सी कमोडिटी में पानी है ये बताइए। अभी मुझे क्रूड ऑयल में ज़्यादा दिलचस्पी है। अच्छा, मेंथा से, लेकिन ये बेरुखी ठीक नहीं है बीरेन जी, आप ट्रैक क्या कीजिए, ठीक है, कभी कभी मार्केट नहीं चलता है। अजय जी, आप ट्रैक करते हैं मेंथा? करते हैं। क्या क्या लग रहा है नीचे में? मेंथा में हमने अच्छी खासी रैली देखी है, 1240 के बाद हमने ऑलमोस्ट प्राइजेस को 1320 तक का लेवल आते हुए देखा। नवंबर वायदा इनका शॉर्ट है, तो मुझे लगता है 1320 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखिए। टाइमिंग मुझे लगता है कि वापस 1270-65 तक के लेवल आ जाएंगे। ओवरऑल अगर रेंज की बात करें तो हमें लगता है अपसाइड काफ़ी लिमिटेड है। इस बार भी हम देख रहे हैं कि प्राइजेस अच्छे मिलने की वजह से स्विंग एरिया अगले सीजन में अच्छी रहेगी, तो आई थिंक इनको अगर 1250-1260 का लेवल मिलता है तो वहाँ से फिर से बाइंग बनेगी। बट ओवरऑल अभी करंट फंडामेंटल को देखते हुए 1250 से लेकर 1340 का एक ब्रॉडर रेंज रहेगा अगले एक महीने में। विंटर इस बार एक्सटेंडेड होने की गुंजाइश ज़्यादा है, जिस ढंग से मानसून एक्सटेंडेड रहा है, तो फार्मास्यूटिकल डिमांड, जो कॉर्पोरेट डिमांड है, वो बढ़नी चाहिए, बट स्लो डाउन के चक्कर में इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं आ पा रही है। तो टाइमिंग 1320 का स्टॉप लॉस रखिए, डाउनसाइड लिमिटेड है, बट 1270 तक का लेवल इनको मिल सकता है। ठीक है। इस बीच वीरेंद्र कुमार हैं हमारे साथ, पूछिए वीरेंद्र जी। धीरेंद्र जी हैं, हाँ धीरेंद्र जी पूछें। हाँ, मेरे पास 200 क्विंटल धनिया आगे क्या होगा? 200 क्विंटल कोरिएंडर है वीरेन जी, कोरिएंडर में क्या लग रहा है, आगे दाम बढ़ेंगे अभी? हाँ, फिलहाल मार्केट अपसाइड में है, अपसाइड में रहना चाहिए। बैकवर्डेशन यानी उल्टा बदला भी डेवलप हो रहा है, तो फिजिकल है तो उनको होल्ड करना चाहिए। अच्छा, ठीक है। अगला सवाल है नंदू का, जालना से, पूछिए नंदू। टेड़िया जी से सवाल है, कपास कली गोडाउन में लगाना है, वेयरहाउस में स्टॉक करना है, तो क्या करना है, कब करना है बताइए। देखिए, एज ऑफ नाउ जिस ढंग से हमने वेदर डिस्टर्बेंस जो राजस्थान गुजरात नॉर्थ साइड में देखा है, नो डाउट अराइवल्स भी बीच में बढ़ी थी, बट एज ऑफ नाउ मुझे लगता है प्राइजेस में तेजी का रुख कंटिन्यू रहेगा, जो ऊपर में वापस हम 2250 तक का लेवल दिखा रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म में जब तक ये वेदर डिस्टर्बेंस है, तेजी का रुख कंटिन्यू है, तो बेटर आपको 2250 तक का लेवल मिलता है वहाँ पे आप अपनी पोजीशंस बनाना चालू कर सकते हैं। ओवरऑल मुझे लगता है कि अगले 15 दिन में तेजी रहेगी, बट दिसंबर फर्स्ट वीक ऑनवर्ड्स अराइवल बढ़ जाएंगे और प्राइजेस में फिर से गिरावट आएगी, जो नीचे में 1800-1850 तक के लेवल देखेंगे। 1850 तक के लेवल दिख जाएंगे? बिल्कुल, इस बार ना जो कॉटन के प्रोडक्शन एरियाज भी बढ़े हैं और प्रोडक्शन भी अच्छे बोल रहे हैं, क्रॉप को डैमेज पहुंचा है, पर डैमेज का अभी तक आकलन पूरा नहीं आ पा रहा है। आकलन आ जाएगा तो फिर मान लीजिए डैमेज हुआ तो कितना आया, जब तक अनसर्टन है, तो जो डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से हम देख रहे हैं कि प्राइस का जो रेंज है वो। ठीक है, सवाल जवाब जारी है। अगला सवाल है संजय का, अमरावती से, पूछिए संजय। मेरा बीरेन जी से पूछना है कि हाजिर में मेरे पास चना है, क्या करूं, बेचूं क्या रखूं? हाजिर में आपके पास चना है, आप जानना चाहते हैं कि बेचें या रखें। बीरेन जी बताइए, स्पॉट में जिनके पास स्टॉक है उनको क्या करना चाहिए चने में? भी फिलहाल रखना चाहिए, क्योंकि नई सीजन थोड़ी डिले है, थोड़ा डैमेज भी है, आने वाले दिनों में थोड़ा सप्लाई पे थोड़ा डेफिसिट रहेगा, और नाफेड की बिकवाली भी थोड़ी सिलेक्टिव रही है, तो होल्ड करना चाहिए। होल्ड करना चाहिए, अच्छा। तो नहीं आप, लेकिन वीरेन जी आप जो ये होल्ड करने की राय दे रहे हैं चने में, किस भरोसे पर दे रहे हैं? क्योंकि भाई नाफेड के पास तो स्टॉक पर्याप्त है, सबको मालूम है। अब मान लीजिए जनवरी फरवरी से नए चने की अराइवल भी शुरू हो जाएगी, तो फिर कैसे, मतलब तब क्या भाव होगा? मतलब आपने जो रुकने की राय दी है, आपने मन में कुछ सोचा होगा दाम कहाँ तक जाएंगे? दो कारण है, एक तो अवेलेबल इन्वेंट्री है, नाफेड के सिवा प्राइवेट स्टॉक कम है, किसान के पास माल कम है, और जिस हिसाब से वेदर डेवलप हो रहा है, तो ये नई सीजन कम से कम एक महीना डिले हो गई।
अच्छा। प्लस ये एमएसपी से ऑलरेडी 300 रुपये नीचे चल रहा है। महाराष्ट्र का जो रिसेंट इलेक्शन चुनाव हुआ और हरियाणा का भी जो इलेक्शन परफॉर्मेंस है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब सरकार भी किसान की तरफ और ज्यादा जागृत होगी, एमएसपी पे थोड़ी सीरियस काम करेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। ठीक है, अच्छा आप ठीक है, आपका अपना ये एनालिसिस है, अच्छा है। और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। बीरेन जी, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल। क्रूड ऑयल में शॉर्ट करूंगा, 4100 पे 4150 का स्टॉप लॉस रहेगा, 3950 का टारगेट रहेगा। आपकी कॉल अजय जी। मुझे लगता है कि बेस मेटल में निकल टॉपिक रहेगी, निकल को 1120 पे बेचना चाहिए। इमीडिएट टारगेट तो 1095 का, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि नीचे में 1060 तक का भी लेवल दिखा सकता है। आपकी आखिरी कॉल बीरेन जी। 190 पे नेचुरल गैस शॉर्ट प्रेफर करूंगा, 195 का स्टॉप लॉस रहेगा, 182 का टारगेट रहेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया बीरेन जी आपका और अजय केडिया जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में आज कहां पर कमाई के मौके बन रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।